अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा और मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना ही लूँ। थोड़ा सा बिज़ी थी काम में, कुछ प्रोजेक्ट्स में, एंड मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपको चंद एक चैनल और चंद एक भी नहीं, सिर्फ एक या दो चैनल हैं, उनमें आपने एक न्यूज़ देखी होगी बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि पता नहीं कोई डिफामेशन का, हत्या के इज्जत का दावा कर दिया गया है। पहली बात तो इसका रूल, जो कानून है हत्या के इज्जत का, वो ये होता है कि आप नोटिस भेजते हैं, 14 डेज के बाद आप केस करते हैं। तो मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला और ये केस जो है एक फ्रॉडिया और किडनैपर जो पाकिस्तान में FIA को पुलिस स्टेशन में वांटेड है, मेरे बच्चों के अगवा के केस में FIA में भी वांटेड है और कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहा है, उमर फारूक जहूर नामी ये जो फ्रॉडिया है नॉर्वे में भी वांटेड है। सो एक फ्यूजिटिव ऑफ लॉ फ्रॉडिया बंदा जो है वो अपनी हद तक इज्जत, यानी अपनी एक फ्रॉडिया क्रिमिनल अपनी इज्जत के हवाले से मुझ पे केस कर रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी केसेस हैं 10 सालों से, मेरे बच्चों के अगवा के, पासपोर्ट एक्ट के और पाकिस्तान से बच्चों को ECL पे होने के बावजूद अगवा करके ले जाने के, और इसके अलावा तो और भी बहुत से इसने अपने फ्रॉड जो किए हुए हैं वो। कभी आप नॉर्वे में ऑस्लो की एक जहूर फैमिली है, 15-16 बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, तो ये उनमें से एक पता नहीं कितने नंबर पे उमर फारूक जहूर जो है वो बेटा है। सो दे हाफ ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, आई एम सॉरी टू से, पर एनीवेज मैंने कहा कि आपको बता दूं कि ये सब जो हो रहा है, ये जो आप एक दो जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगी, रिपोर्टर्स ऐसे जो येलो जर्नलिज्म फैला रहे हैं, प्लीज़ अपने फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए और गलत जो है ना चीज़ें वो मत फैलाइए। और हत्या के इज्जत मैंने नोटिस भिजवाया है और मैंने किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो जाहिर है हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लॉ है, पाकिस्तान में कानून अल्हम्दुलिल्लाह है, और जब जज को ये पता चलेगा, नोटिस भी नहीं दिया और किस आदमी ने, फ्रॉडिये ने, क्रिमिनल ने केस कोशिश की है मेरे पे करने की, तो इंशाल्लाह पहली ही हेयरिंग पे ये ख़त्म भी हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टॉप स्प्रेडिंग दिस नॉनसेंस। और ये जो उमर फारूक जहूर फ्रॉडिया क्रिमिनल वॉन्टेड है, ये एक्चुअल में है और सब कुछ इसका रिकॉर्ड है, जिसका जो नॉर्वे में जाने वाले हैं वो पता कर लें, पाकिस्तान में जाने वाले हैं उनको भी पता होगा, 10 सालों से वो देख रहे हैं। सो अल्लाह ताला हक सच का साथ देता है, और जब गीदर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरे फॉलोअर्स, फैंस, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी, दे आर विशिंग मी, दुआएं कर रहे हैं मेरे लिए, बजाय कि अल्लाह का शुक्र है कि आप सब जानते हैं मेरी एक ऐसी इमेज है कि मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं। हाँ, शादी के बाद जो उल्टी सीधी मेरे ऊपर जो न्यूज़ आ रही है वो सिर्फ शादी के बाद आ रही है, चूँकि एक क्रिमिनल और एक करप्ट जो आदमी था उमर फारूक जहूर, जो एक वांटेड है, उसने अपने गंदे सोच से मुझे बदनाम किया है, तो अल्लाह ताला मेरे साथ है। और आप भी प्लीज़, थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का, आप मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। अभी तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली आप सब लोगों को मैं बताऊँगी, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ऐसे हाइपर होने की या परेशान होने की। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी ऑल।